आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाल की वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी फेमस स्वीट छानार पायस। लेट्स बिगिन। छानार पायस बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, जो मैंने गैस में गर्म होने रख दिया है। यहाँ पर मैंने चीनी ली है, 1/2 कप चीनी मैं यूज करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा यूज करें। कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं और यहाँ पे हम मलाई पनीर ले रहे हैं। ये बाजार से लाया हुआ है, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं बहुत आसान सी टेक्निक से। इसे हम ग्रेट कर लेंगे। कुछ केसर के स्ट्रैंड्स मैंने दूध में भिगा रखे हैं। इलायची पाउडर हम यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम दूध को देख लेते हैं। दूध हमारा उबल रहा है, फुल क्रीम मिल्क है, बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। पायस के लिए हम बढ़िया गाढ़ा दूध ही इस्तेमाल करेंगे। सब तरफ से इसको चलाते हुए हम रिड्यूस करेंगे। दूध हमारा काफी रिड्यूस हो चुका है, देखिए। अब इसमें हम मिलाएंगे केसर वाला दूध। काफी अच्छा कलर देता है केसर। इसमें हम मिलाएंगे शुगर। शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाइए। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे दूध का, केसरिया एकदम। कटे हुए काजू बादाम, किशमिश हम लास्ट में डालेंगे। अब देखिए काफी गाढ़ा हो गया है हमारा दूध। अब इसमें हम इस तरह से मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है, वो हम इसमें डालेंगे। अब इसे चलाते हुए 2 मिनट और कुक कर लेंगे, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा हमारा पायस। काफी रिड्यूस हो गया है हमारा दूध। पनीर को कुक होते हुए भी 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गई है हमारी बंगाल की वेरी फेमस छानार पायस। पूजा में भी इसे बहुत ही शौक से खाया जाता है और सभी की बहुत ही फेवरेट है छानार पायस। बनाने में भी इजी। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुक विद द बेस्ट।